बेहद लाडली सम्मानित भूषण स्वर्गीय श्री गोपाल दास नीरज जी के प्रति काव्यांजलि के माध्यम से उनकी कई यादों को समेट कर यादों के इस कार्यों में हमारे साथ आज भारतवर्ष के विश्वविख्यात स्वनाम धन्य वह हस्ताक्षर होंगे जिनको देखने सुनने उनसे रूबरू होने के लिए हम सदा तत्पर रहते हैं। जो टीम हिंदुस्तान समाचार समूह के आदरणीय चेयरमैन सह राज्यसभा सांसद हमारे अभिभावक श्री आर के सिन्हा जी के मार्गदर्शन में श्री गजेंद्र सोलंकी जी ने जो तैयार की है, नमस्कार, गुड इवनिंग, प्रणाम जननी जन्मभूमि, प्रणाम विद्या वाणी और ज्ञान की देवी भगवती मां शारदा, प्रणाम आज के गौरवशाली मंच को, प्रणाम पद्मश्री पद्मभूषण स्वर्गीय नीरज जी के पुण्य स्मृति को, प्रणाम भारतवर्ष के कोने कोने से पधारे काव्य जगत के स्वनाम धन्य हस्ताक्षरों के प्रति, प्रणाम आप सभी सुधी श्रोता गण के प्रति, प्रणाम मीडिया व प्रेस से पधारे हमारे मित्रों के प्रति, हिंदुस्तान समाचार न्यूज एजेंसी और उनकी समस्त सहयोगी संस्थाओं के तरफ से मैं भारती ओझा प्रबल संवाहक गीतों की अहर्निश गंगोत्री के भगीरथ और गेय शिल्पी महाकवि पद्मश्री पद्मभूषण डॉक्टर गोपाल दास नीरज 94 वर्ष की आयु में जब महाप्रयाण की यात्रा को निकले तब देश काव्य जगत को सहसा विश्वास नहीं हुआ। नीरज जी देखिए आज आपके रंग में ये पूरा सभागार रंगा हुआ है। गीत गंधर्व हमारे लाडले बेहद सम्मानित श्री नीरज जी की पुण्य स्मृति में हमारे आदरणीय चेयरमैन श्री आर के सिन्हा जी ने आज की जो अविस्मरणीय शाम देश के इन उन कविगण के सहयोग और साथ के साथ आयोजित की है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिनसे रूबरू होने के लिए, मिलने के लिए, सुनने के लिए हम सदैव लालायित तत्पर रहते हैं। हमने उन्हें न जाने कितनी बार विभिन्न मंचों पर, विभिन्न टीवी चैनलों पर और अब तो सोशल मीडिया के माध्यम से हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं। जितनी बार उन्हें सुना जाए उतनी बार कम है। तो आइए, कौन कौन कविगण हैं, किनकी काव्य रचनाओं के द्वारा हम स्वर्गीय नीरज जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से गति प्रदान करने हेतु भारत के सुविख्यात कवि वीर रसों के जाने माने कवि और आज के कार्यक्रम में जिन्होंने संयोजन की भूमिका निभाई है, वैसे आप सभी के चहेते श्री गजेंद्र सोलंकी जी को आप सभी की तालियों के बीच मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ। जी, बहुत विस्तार से उन्होंने आज के कार्यक्रम की भूमिका रूपरेखा के बारे में आप तक विषय को पहुंचाया। मैं उन्हें आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। तो एक बात ये कहना चाहता हूं कि आज का ये कार्यक्रम काव्यांजलि का एक प्रयाण उत्सव के रूप में हम मना रहे हैं, क्योंकि नीरज जी एक ऐसे लोक कवि के रूप में हमारे चित्र पर हमेशा एक ऐसी छाप छोड़ कर गए हैं हमेशा के लिए, जिसको कोई भी भुला नहीं सकते हैं। आपकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है। माननीय आर के सिन्हा जी के प्रेम और उनके
समर्पण भाव के कारण ये कार्यक्रम संयोजित हो पाया है, तो इसको उल्लास उमंग के साथ हम मनाएंगे। और हमारे जो कविगण यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं उनका अभिनंदन करते हुए और सभी अतिथियों का अभिनंदन करते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ सर्वप्रथम हमारे हिंदुस्तान समाचार के चेयरमैन आदरणीय श्री आर के सिन्हा जी को, कृपया वे मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। साथ ही आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनसे अनुरोध कर रहा हूं कृपया वे मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। प्रोफेसर सोम ठाकुर जी आगरा से हमारे बीच में हैं, उनसे अनुरोध कर रहा हूं कृपया वे मंच पर आएंगे। प्रोफेसर अशोक चक्रधर जी से अनुरोध है कि कृपया वे मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। हमारे डॉक्टर हरिओम कुमार जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनसे भी अनुरोध है कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। आदरणीय मनोहर राणा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनसे भी अनुरोध है। और इसी बीच हमारे लिए बहुत ही परम सौभाग्य की बात है, हर्ष का विषय है कि हमारे माननीय साध्वी रितंबरा जी, माननीय दीदी हमारे बीच पधार चुके हैं आशीर्वाद देने के लिए, उनका हम कर्तव्य ध्वनि से स्वागत अभिनंदन करते हैं और अनुरोध करते हैं कि रंगी विराजमान है उनसे भी अनुरोध है कृपया मंच पे आएंगे स्थान ग्रहण करें। आदरणीय डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी हमारे बीच में देहरादून से, हमारे उनसे भी अनुरोध करता हूं। साथ ही डॉक्टर सरिता शर्मा जी विराजमान है, उनसे अनुरोध करता हूं कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। डॉक्टर सीता सागर जी, डॉक्टर सुमन दुबे जी, भाई शशांक प्रभाकर जी, और साथ ही अनुरोध कर रहा हूं हमारे यशकाय शेष नीरज जी के वरद पुत्र आदरणीय गुंजन जी से कि कृपया वो भी मंच पर स्थान ग्रहण कर लेंगे। जीवन की पगडंडी पर चलते चलते खो जाएंगे तो जाएंगे, वर्तमान के मोह पाश से जब अतीत हो जाएंगे, आने वाला कल ढूंढेगा हमको चांद सितारों में, आने वाला कल ढूंढेगा हमको चांद सितारों में। ऐसे श्रद्धेय नीरज जी हमारे यशकाय शेष हो गए हैं, लेकिन उनकी स्मृतियां, उनकी काव्य चेतना निरंतर हमारे अंतर मन को महकाती रहेगी। कार्यक्रम को अनौपचारिक रूप से आगे बढ़ाता हूं और मैं अनुरोध कर रहा हूं आदरणीय श्री गुंजन जी से कि विद्युत दो शब्द अपने अनुभव के, अपने पिताश्री के बारे में कहें और इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं। आदरणीय गुंजन जी नमस्कार। आप लोगों को यहाँ पे देख के, सभागार को भरा हुआ देखकर मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं नीरज जी का बेटा, जिनको पूरे देश ने, लोगों ने इतना ज्यादा प्यार दिया और वो प्यार उनको मिलता था उसको वो बांटते भी थे, सब में बांटते थे। उन्होंने प्यार जाने कैसे कैसे बांटा है। बचपन में हम लोग जब खेलते थे, मैं मेरे दोस्त अलीगढ़ में, हम लोग कंचे खेलते थे तो हमारे साथ कंचे खेला करते थे, हमारे साथ पतंग उड़ाया करते थे, उसके लिए घर पे मांझा बनाया करते थे, वो बड़े शौक से। और हमारे जो दोस्त थे उनको बिल्कुल मित्रवत व्यवहार होता था, लगता ही नहीं था कि कोई बड़ा आदमी है। मैंने कहीं किसी घर में ऐसा नहीं देखा कि उनके माँ बाप अपने बच्चों के साथ इतने छोटे छोटे गेम खेलते हों, पहली बार मैंने देखा कि ऐसा होता है। तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि वो किस तरह से लोगों में प्यार बांटते थे, किस तरह लोगों में मिला करते थे। और अभी मेरी आखिरी मुलाकात, जब मेरा बेटा अमेरिका से आया तो मैंने उनको फ़ोन किया गुड़गांव से कि पापा मैं आप सबको परिवार को लेके आ रहा हूँ आपसे मिलने अलीगढ़। तो कह रहे नहीं तुम बताओ मैं आ रहा हूँ। तो मुझे लगा कि पापा आ रहे हैं, बड़ी अप्रैल की बात है इसी 2018 में। तो कह रहे कि मैं आ रहा हूँ, तुम लोग बताओ, वो लोग परेशान हो जाएंगे आके। तो मैंने कहा ठीक है आप आइए। वो आए पास बैठे तो मेरा जो पोता है उसको अपने पास बुलाया बैठाया, तो वो भागने लगा। तो कहला नहीं बेटा बैठ जा मेरे पास, अब बाबा नहीं मिलेंगे। तो वो चीज हम समझ नहीं पाए कि उनको मालूम पड़ रहा था, उनको आभास था कि शायद वो अब यहाँ नहीं रहेंगे, इस संसार में नहीं रहेंगे और इस स्थूल शरीर को छोड़ देंगे। बहरहाल वो तो चले गए, मगर उनका नाम तो कोई मिटा ही नहीं सकता, इतना मेरा विश्वास है।
और ईश्वर ने जो उनको स्मरण शक्ति दी, जो उनका गायन था, जो उनकी कविताएं थी, वो हमेशा जिंदा रहेंगी और वो ऊपर से हमें हमेशा आशीर्वाद देते रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को शांति दे और जो प्यार उनको मिला था वो प्यार का कुछ हिस्सा मुझको भी मिलता रहे। धन्यवाद धर्मेंद्र। और इसी बीच हमारे बीच में माननीय केंद्रीय संस्कृति मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा जी बता चुके हैं, मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। आइए आइए, स्वागत है आपका। और मैं बिना किसी विलंब के अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी, हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय आज के कार्यक्रम के, माननीय दीदी साध्वी रितम्बरा जी से श्रद्धा से आप सभी अनुरोध है कि दीप प्रज्वलन में हमको यहां पर आशीर्वाद दें। और हमारे सोम ठाकुर जी से, अशोक चक्रधर जी, रवि शर्मा जी, तमसो मा मृत्यु ज्योतिर्गमे मृत्योर्मा अमृतम गमे, ये भावना लेकर दीप प्रज्वलित कर रहे हमारे सभी मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि। हमारे डॉक्टर गोविंद व्यास जी पधार चुके हैं, ऐसा मेरा विश्वास है कि यहां पर जितने भी लोग सभागार में उपस्थित होंगे, हम मंचीय कवियों के अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके साथ श्रद्धेय नीरज जी के बहुत संस्मरण होंगे। एक हमारे मित्र भी अलीगढ़ से आए, उन्होंने 55 वर्ष पुराना नीरज जी का चित्र मुझे दिया कि ये उन्होंने उस समय दिया था अपने ऑटोग्राफ के साथ में। तो ऐसे संस्मरणों का खजाना यहाँ लिए बैठे हुए होंगे लोग बहुत सारे नीरज जी के साथ में। मेरा भी 10वीं कक्षा से, मैं नीरज जी से प्रत्यक्ष परिचित नहीं था लेकिन उनकी कविता को मैंने पढ़ के एक सम्मान प्राप्त किया, तो मुझे उस समय वो कविता बहुत अच्छी लगी। बाद में मुझे जब मंच पर आया तब पता चला कि कविता नीरज जी की है। वो कविता कुछ यूं थी, दुनिया देखी लेकिन देखी दुल्हन सबकी ताले में, कोई कैद पड़ा मस्जिद में कोई बंद शिवालय में, किसको अपना हाथ थमा दूं किसको अपना मन दे दूं, कोई लूटे अंधियारे में कोई ठगे उजाले में, सबके अलग अलग थनगन है, सबके अलग अलग वंदन है, सबके अलग अलग चंदन है, लेकिन सबके सिर के ऊपर नीला एक वितान है, फिर भी जाने क्यों ये सारी धरती लहू लुहान है, फिर भी जाने क्यों ये सारी धरती लहू लुहान है। कभी जो निष्ठा होता है, क्रांतिकारी होता है, उसके अंतर में जो चेतना होती है, वो जो समय काल परिस्थितियों से जाति पंथ संप्रदाय से बहुत ऊपर होती है। नीरज जी ऐसे युग पुरुष कहा जा सकता है उनको कवि काव्य परंपरा के, जिन्होंने केवल उसको जीवन के यथार्थ को केवल जिया ही नहीं, उसको कहीं ना कहीं शब्दों में ढालकर कविताओं के माध्यम से हमारे मन तक पहुंचाया। और मैं ऐसा मानता हूं कि जो प्रेम रूप की प्रेम की कविताएं उनकी रही हैं, वो प्रेम के दर्शन के साथ साथ प्रेम के यथार्थ को कहीं प्रकट करने वाली कविताएं हैं। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे, क्योंकि समय की मर्यादा है, सीमाएं है, बोलने को बहुत कुछ बोला जा सकता है, हमारे आदरणीय आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर महेश शर्मा जी को सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करना चाहता हूं दो शब्दों के लिए। वे आए और आज के अवसर पर काव्यांजलि से पूर्व अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करें। आदरणीय हमारे महेश शर्मा जी। महत्वपूर्ण ये नहीं कि जीवन कितना जिया, एक शाश्वत और सार्थक जीवन के धनी रहे डॉक्टर गोपाल दास नीरज जी को श्रद्धांजलि। और मैं समझूंगा काव्यांजलि या भावांजलि के रूप में आज ये मंच वास्तव में छोटा पड़ रहा है। आज देश के जो मूलभूत कविगण आज यहां पर उपस्थित हैं, जो उस पुण्य आत्मा को अपने अपने शब्दों के अंदर काव्यांजलि देंगे, वास्तव के अंदर कवि, गीतकार, साहित्यकार,
अपने मन को भावों को जब अपनी कविताओं में साहित्य में लिखता है और एक डॉक्यूमेंट के रूप में अपनी वसीयत के रूप में छोड़ जाता है और वह पहचान बनती है। पहचान ये नहीं कि विरासत में हमें क्या मिला, पहचान ये बनती है कि वसीयत में हम क्या छोड़कर जा रहे हैं। और उस वसीयत के रूप में गोपालदास नीरज जी ने एक बहुत बड़ा खजाना छोड़ा है। एक टाइपिस्ट से जीवन किया हुआ शुरू के उनके जीवन को भी मैंने आने से पहले दोबारा पढ़ा। जीवन का वह संघर्ष जो प्रेरणा देता है हम जैसी इस युवा पीढ़ी को, इस देशवासियों को नहीं विश्व के लोगों को, कि आखिरकार संघर्ष का जीवन ऊंचाइयों के शिखर तक ले जा सकता है। और कवि रूप में जो उन्होंने अपना ये फिल्मी जीवन, गीतकार, मुंबई और उससे वापस छोड़कर वही अलीगढ़ की गलियां और वही कवियों का मंच उन्हें सुहाता रहा, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं उनकी सोच रही होगी कि शायद और किसी मंच ऐसा नहीं हो सकता जहां मैं दिल के भाव को बेबाकी से कह सकता हूं। मैं इस राजनीतिक जीवन में इस बंधन को समझता हूं कि आज के युग में अगर मैं समझूं कि सच को मैंने सच कहा और कह दिया तो कह दिया, ये जमाने की नजर में है हिमाकत है तो है, ये सिर्फ कवि कह सकता है। आर के सिन्हा जी से केवल हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत बुके भेंट करेंगे। बीच का विषय है, इसमें कुछ नहीं कह सकता, हम कुछ नहीं कह सकते। तालियों का थोड़ा मुझे लगता है कि घनत्व अगर बढ़ जाएगा तो और अच्छा लगेगा। ये आपस का प्रेम है हमारे चेयरमैन साहब का, हमारे मुख्य अतिथि महोदय का। और इसके पश्चात मैं अनुरोध कर रहा हूँ श्री सुनील कुमार जी, जो SIS ग्रुप इंटरप्राइजेस से हैं, कि वे प्रोफेसर सोम ठाकुर जी का स्वागत करेंगे। सुनील कुमार जी, श्री सुनील कुमार जी जो SIS ग्रुप इंटरप्राइजेस से हैं, श्री संजीव कुमार जी इनके पश्चात आएंगे और डॉक्टर कुंवर बेचैन जी का स्वागत करेंगे। संजीव कुमार जी, इनके पश्चात श्री AK बाली हमारे जनाब मनोहर राणा जी का स्वागत करेंगे। AK बाली जी उपस्थित हैं। ओके, श्री गोपाल सिन्हा जी से अनुरोध है कि वे आकर, आदरणीय संदीप जी द्विवेदी हमारे बीच में होंगे। संदीप द्विवेदी जी ओके, श्री ब्रजेश कुमार झा जी, हाँ हमारे चेयरमैन साहब से अनुरोध है कि हमारे मनोहर राणा जी का स्वागत करेंगे। और मैं तो समझता हूँ हमारे चेयरमैन साहब भी सभी कवियों का स्वागत कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। जितेंद्र तिवारी जी हमारे बीच में है, जितेंद्र तिवारी जी जरा आएंगे और हमारे प्रोफेसर अशोक चक्रधर जी का स्वागत करेंगे। जितेंद्र जी, इनके पश्चात देवियन पब्लिक स्कूल से अशोक प्रसाद जी हमारे बीच में होंगे। अशोक प्रसाद जी से अनुरोध है कि हमारे श्री सुरेंद्र शर्मा जी का स्वागत करेंगे। हमारे बीच में आद्या ऑर्गेनिक से पल्लवी सिन्हा जी हैं, उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि डॉक्टर सीता सागर जी का स्वागत करने के लिए मंच पर आएंगे। मृत्युंजय योगा से ज्योति सिन्हा जी से अनुरोध कर रहा हूं कि डॉक्टर सरिता शर्मा जी का स्वागत करने के लिए कृपया मंच पर आएंगे।
ज्योति सिन्हा जी मृत्युंजय योगा से डॉक्टर सरिता शर्मा जी का स्वागत करने के लिए ट्रस्ट से रत्ना सिन्हा जी से अनुरोध कर रहा हूं कि डॉक्टर सुमन दुबे जी का स्वागत करने के लिए कृपया मंच पर आएंगी। श्री राजन श्रीवास्तव जी हमारे बीच में हैं। राजन श्रीवास्तव जी से संदीप द्विवेदी जी अभी मंच पर हैं। संदीप द्विवेदी जी आइएगा, स्वागत है आपका। और आप स्वागत करेंगे हमारे डॉक्टर विष्णु सक्सेनाधा के एक और बहुत बड़े हस्ताक्षर, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है, ऐसे गीतकार हमारे संतोष आनंद जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। उनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। कुछ ही देर में मंच पर हम आमंत्रित करेंगे उनको। आपके लिए जगह है दादा, ऊपर मंच पर आ जाइएगा। ब्रजेश कुमार झा जी हमारे बीच में होंगे, उनसे अनुरोध है कि डॉक्टर बुद्धिनाथ ब्रजेश कुमार झा जी समीर जी से अनुरोध है कि कृपया मंच पर आएंगे। समीर जी से अनुरोध है कि कृपया मंच पर आए और हमारे डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी का स्वागत करेंगे। सिन्हा जी से अनुरोध है कृपया मंच पर आएंगे और हमारे श्री राजन जी का स्वागत करेंगे। एन के सिंह साहब से अनुरोध कर रहा हूं कृपया वे मंच पर आएंगे। हिंदुस्तान समाचार के एक प्रोधा हमारे बीच में हैं, उनसे अनुरोध कर रहा हूं कृपया वे आए और आदरणीय हमारे संतोष आनंद जी का बुके देकर और शॉल और उन्हें हमारे समीर जी से पुनः अनुरोध कर रहा हूं कि वे एक साथ नजर आते होंगे। मैं चाहता हूं कि हमारे आदरणीय चेयरमैन आर शायद कभी पवार जी कह रहे हैं ये हमारे चेयरमैन सर का प्रेम है और कहीं ना कहीं कवि सम्मेलन या कवियों के प्रति सम्मान है जिसके कारण आज सभी कवि मंच पर विराजमान। मैं चाहता हूं एक बार कर्तव्य ध्वनि से उनका स्वागत किया जाए, उनका समर्पण है कविता के प्रति। और शशांक प्रभाकर जी का स्वागत करने के लिए मैं पुनः हमारे समीर जी से अनुरोध कर रहा हूं वे शशांक प्रभाकर जी का स्वागत करें। सक्सेना जी का हो चुका है लगता है आपने उस समय आंखें बंद की हुई थी। देखिएगा ना, अब कोई बात नहीं, मेरा हो जाएगा स्वागत, कोई बात नहीं, आप ताली बजा दीजिएगा तो मेरा स्वागत हो जाएगा। मंचीय दायित्व का निर्वहन करते हुए मैं अनुरोध करूंगी हिंदुस्तान समाचार समूह के कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ श्री समीर जी से कि समीर जी आप आए और गजेंद्र सोलंकी जी का अभिनंदन व स्वागत करें। समीर जी कृपया आप आए और गुंजन जी का अभिनंदन व स्वागत करें। गुंजन जी एक बार हम सभी कर्तव्य ध्वनि से अभिनंदन करें और
यह विचार मन में जरूर आए कि स्वर्गीय नीरज जी हम सभी को आशीष दे रहे हैं। गुंजन जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन व स्वागत। धन्यवाद भारती जी। और हम अब इस कार्यक्रम को आरंभ करना चाहते हैं और मैं देख रहा हूँ कि आप सभी कविता की प्यास लिए उन संस्मरणों में झांकने का अतीत के उन अनुभवों को कवियों के अनुभवों को आपसे बांटने का ये जो आपका मन है उस मन तक पहुंचने के लिए मैं इस कार्यक्रम को आरंभ करना चाहता हूं। और सर्वप्रथम मैं चाहता हूं कि नीरज जी के गीत से इस कार्यक्रम को आरंभ किया जाए। मैं सर्वप्रथम डॉक्टर सीता सागर जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वे आए और नीरज जी का एक बहुत गीत विशेष यहां पर प्रस्तुत कर नीरज जी की उन पावन स्मृतियों को हमसे जोड़े। डॉक्टर सीता सागर जी कृपया और अपना भी ये गीत अवश्य सुनाए कि इस कार्यक्रम में कोई औपचारिकता नहीं है, ये अनौपचारिक कार्यक्रम है, काव्यांजलि का कार्यक्रम है और ये पूरी तरह से समर्पित है उस भावना को जिसको लेकर पूरा जीवन नीरज जी प्रयास करते रहे और कहीं ना कहीं लोगों के मन तक अपनी कविताओं के माध्यम से पहुंचते रहे। मैं चाहता हूँ सीता सागर जी गीत के माध्यम से कार्यक्रम आरंभ करें। परंपरा है कि हम किसी भी कार्य की निर्विघ्न संपन्नता के लिए संबंधित इष्ट देव या इष्ट देवी का वंदन करते हैं, तो उसी परंपरा का पालन करते हुए मैं महाप्राण निराला की ये सरस्वती वंदना माँ शारदा के श्री चरणों में समर्पित कर रही हूँ। सुनिए। वरदे 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 वीणा वरदे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे वरदे 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 जगमग जग कर दे वर दे वर दे वर दे नवगति नव लय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंत्र रव नव नव के नव को नव पर नव स्वर दे वर दे वर दे वर दे वीणा वादिनी वर दे। जो नीरज जी के लिए मैंने खुद लिखी हुई है वो सब मैं नीरज जी के चरणों में अपनी श्रद्धा समर्पित करते हुए ये दो पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूं। सुनिएगा। गीत पुंज तज हमें शांति की डगर गया गीत पुंज तज हमें शांति की डगर गया स्वर्ग भी उन्हें निरख स्वर्ग भी निरख उन्हें मुग्ध हो संवर गया स्वर्ग भी निरख उन्हें मुग्ध हो संवर गया क्या कहे क्या सुने कुछ समझ न पा रहे क्या कहे क्या सुने कुछ समझ न पा रहे देखते ही देखते कारवां गुजर गया देखते कारवां गुजर गया देखते ही। और नीरज जी का ये गीत बहुत मन से मैं वो गीत मुझे बहुत पसंद है और बहुत मन से मैं आपकी नजर कर रही हूँ। गीत नीरज जी का गीत है, मैं अपने स्वर के माध्यम से आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। हम हैं मस्त फकीर
फकीर हमारा कोई नहीं ठिकाना रे, हम हैं मस्त फकीर हमारा कोई नहीं ठिकाना रे, जैसा अपना आना प्यारे, जैसा अपना आना प्यारे, वैसा अपना जाना। ये नीरज जी के लिए हम लोग प्रयाण उत्सव मना रहे हैं, उत्सव है, तो आप लोग उत्सव की तरह इस गीत के साथ शिरकत करें। जैसा अपना आना प्यारे, वैसा अपना जाना रे, हम हैं मस्त फकीर हमारा कोई नहीं ठिकाना रे। और बन सुनिएगा, राम घाट पर सुबह गुजारी, प्रेम घाट पर रात कटी, राम घाट पर सुबह गुजारी, प्रेम घाट पर रात कटी, बिना छावनी बिना छपरिया अपनी हर बरसात कटी, बिना छावनी बिना छपरिया अपनी हर बरसात कटी, देख कितने महल तू महले उनमें ठहरा तब समझा, देख कितने महल तू महले उनमें ठहरा तो समझा, कोई घर हो कोई घर हो कोई घर हो भीतर से तो हर घर है वीराना रे, कोई घर हो भीतर से तो हर घर है वीराना रे, जैसा अपना आना प्यारे वैसा अपना जाना रे, हम हैं मस्त फकीर हमारा। सुनिएगा दूसरा पद, औरों का धन सोना चांदी, अपना धन तो प्यार रहा, औरों का धन सोना चांदी, अपना धन तो प्यार रहा, दिल से जो दिल का होता है वो अपना व्यापार रहा। और नीरज जी के गीतों को पूरी जिंदा दिली से, पूरी ऊर्जा से, पूरे प्रेम के साथ सुनिए। नीरज जी के गीत को इतनी खामोशी से मत सुनिए। औरों का धन सोना चांदी, अपना धन तो प्यार रहा, दिल से जो दिल का होता है वो अपना व्यापार रहा, हानि लाभ की वे सोचे, हानि लाभ की वे सोचे, जिनकी मंजिल धन दौलत हो, हानि लाभ की वे सोचे, जिनकी मंजिल धन दौलत हो, हमें सुबह की ओस सरीखा, बहुत बेहतरीन पंक्ति है, हमें सुबह की ओस सरीखा, हमें सुबह की ओस सरीखा, लगा नफा नुकसाना रे, हमें सुबह की ओस सरीखा, लगा नफा नुकसाना रे, जैसा अपना आना प्यारे वैसा अपना जाना रे, कांटे कांटे फूल मिले जितने भी स्वीकारे पूरे मन से, कांटे फूल मिले जितने भी स्वीकारे पूरे मन से, मान और अपमान हमें सब दौर लगे पागलपन के, मान और अपमान हमें सब दौर लगे पागलपन के, कौन गरीबा कौन अमीरा हमने सोचा नहीं कभी, कौन गरीबा कौन अमीरा हमने सोचा नहीं कभी, सबका एक ठिकाना लेकिन, सबका एक ठिकाना लेकिन, सबका एक ठिकाना लेकिन अलग अलग है जाना रे, सबका एक ठिकाना।
प्यारे वैसा अपना जाना रे। और गीत का, नीरज जी के गीत का आखिरी बंदा आप तक पहुंचा रही हूं, सुने। सबसे पीछे रह कर भी हम सबसे आगे रहे सदा, सबसे पीछे रह कर भी हम सबसे आगे रहे सदा। बड़े बड़े आघात समय के बड़े मजे से सहे सदा, बड़े बड़े आघात समय के बड़े मजे से सहे सदा। दुनिया की चालों से बिल्कुल उल्टी अपनी चाल रही। क्या बात है, वाह वाह, सबसे खूबसूरत पंक्ति। दुनिया की चालों से बिल्कुल उल्टी अपनी चाल रही। जो सबका सिरहाना है रे, जो सबका सिरहाना है रे, जो सबका सिरहाना है रे, वो अपना पैताना रे। जो सबका सिरहाना है रे, वो अपना पैताना रे। हम हैं मस्त फकीर, हमारा कोई नहीं ठिकाना रे। जैसा अपना आना प्यारे वैसा अपना जाना रे। एक अपना गीत। ऊंचा जगत न पहचाने प्यार दे या हमको ताने, हमारा वहां ठिकाना है जहां कलम के दीवानों का आना जाना है। हमें कोई कुछ भी माने, सारे लोग बजाइए, इतना अच्छा गीत है। सिर्फ हमने अपने मन के लिए नहीं यहाँ पर ये चयन किया है, आप सबके लिए किया है। हमें कोई कुछ भी माने, समूचा जगत न पहचाने प्यार दे या हमको ताने, हमारा वहां ठिकाना है जहां कलम के दीवानों का आना जाना है। रंग हो या हमारे पास कभी दौलत नहीं रही, लेकिन यह भी सच है कि हमारे पास दौलत भले भी न रही हो, पर लोगों के दिलों पर हुकूमत हमने भी की। और वो हुकूमत हमने किस अंदाज में की है, यानी कि जब हम दुनिया में साहित्यकार बनकर आए तो हमने दुनिया को क्या योगदान दिया, साहित्यकार के रूप में अपना योगदान रेखांकित करते हुए सुनिएगा। राजा अंधे होने पर धृतराष्ट्र यहां बन जाते, राजा अंधे होने पर धृतराष्ट्र यहां बन जाते। हम अंधे होकर भी भैया सूरदास कहलाते, हम अंधे होकर भी भैया सूरदास कहलाते। न तक तो ताज रहा फिर भी राज रहा, न तक तो ताज ने माना है, संत मुनियों ने माना है, संत मुनियों ने माना है। तुलसी के द्वारा ही जग ने राम को जाना है, जहां कलम के दीवानों का आना जाना है। और जब हम दुनिया में साधु संत महात्मा फकीर पीर बनकर आते हैं तो हम दुनिया को क्या योगदान देते हैं और हमारी जिंदगी जीने का वास्तविक मकसद क्या होता है। बनकर इंद्रधनुष कितने ही रंगों में ढलते हैं, कि सुना आंगन या कि वृंदावन हो, कि सुना आंगन हो या कि वृंदावन हो, फर्क हमने ना माना है, फर्क हमने
प्यार मेरे कर लेते वहीं बसेरा, जहां कहीं भी प्यार मिले कर लेते वहीं बसेरा, न कोई घेरा है न तेरा मेरा है, न कोई घेरा है न तेरा मेरा है, अजब अपना अफसाना अजब अपना अफसाना है, अजब अपना अफसाना है, हम ही फकीरों से राशन सारा वीराना है, जहां कलम के दीवानों का आना जाना है, कभी कबीर कभी गालिब बन हर युग में हम आए, कभी कबीर कभी गालिब बन हर युग में हम आए, ईसा पैगंबर नानक बन गीत प्रेम के गाए, निराला की ज्वाला हम ही हैं मधुशाला, निराला की ज्वाला हम ही हैं मधुशाला, गजब का ये मैं ये मैं खाना है, गजब का ये मैं खाना है, कभी नहीं खाली होता ये वो पैमाना है, हमें कोई कुछ भी माने समूचा जगत न पहचाने, प्यार दे या हमको ताने हमारा वहां ठिकाना धन्यवाद सीता जी, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, लेकिन अब मैं कवियों से अनुरोध कर रहा हूँ कि ये कवि सम्मेलन जो है अगर इसी तरीके से चलेगा तो सुबह के 6 तो बज ही जाएंगे, तो मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि अपने आत्म अनुशासन के साथ में अपनी कावत प्रस्तुति करेंगे। इस बीच में हमारे बीच में राज्यसभा सांसद जो एक बहुत ही विशिष्ट व्यक्तित्व के स्वामी हैं हमारे डॉक्टर सत्यनारायण जी जटिया सत्यम के हमारे बीच पधार चुके हैं, एक बार कर्तव्य ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे, और मैं स्वागत के लिए हमारे एनके सिंह साहब से अनुरोध कर रहा हूं कि वो उनका स्वागत करें। नीरज जी कहा करते थे, वाणी के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है कवि होना सौभाग्य है, तो ये कहीं ना कहीं वाणी का आशीर्वाद है जो कि ये मान सम्मान कवियों को समाज से दुनिया से मिलता है। आज विशिष्ट वक्ता के रूप में विराजमान है जटिया जी हमारे बीच में, तो आता हूं, और हमारे बीच में भाई शशांक प्रभाकर हैं जो नीरज जी के सुपुत्र हैं, उनसे अनुरोध कर रहा हूं, मैं भूमिका में अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि समय की अपनी मर्यादा सीमा है, सभी वरिष्ठ रचनाकारों को काव्य पाठ करना है, और कवियों से भी अनुरोध है कि अपना संक्षिप्त प्रस्तुति के साथ में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। भाई शशांक प्रभाकर, समारोह में मेरा सिर्फ इतना बार कहना है, हिंदी वाचिक परंपरा के लिए, हिंदी काव्य के लिए नीरज का अवसान हुआ, हिंदी कविता के लिए गीत का अवसान हुआ, लेकिन मेरे लिए तो पिता और दोस्त दोनों चले गए। 37 वर्षों की यात्रा में 7 बरस की उम्र से सिर्फ कविता सुनने का ले जाने के लिए और उसके बाद अपने सामने खड़ा करके कविता पढ़वाने के लिए, जिसमें लाखों की भीड़ में ये कहते हुए कि भाई थोड़ा सा पीछे हो जाओ तुम्हारी आवाज़ सही नहीं आ रही है, शायद मैंने बहुत कुछ खो दिया। लेकिन आज जिसके साथ 17 जून को अमेरिका से मेरी बात होती है और मैं कहता हूं कि आप आ गए हो आगरा तो आप थोड़े बहुत दिन रहो, तो उस व्यक्ति का ये कहना होता है
कि तुम अपना वीडियो कॉल बंद कर दो, पैसे खर्च हो रहे होंगे ज्यादा। मैंने समझाया उनको इसमें पैसे नहीं लगते हैं, फिर भी बंद कर दो, बात हो गई है तुमसे, और बढ़िया प्रोग्राम करो, अच्छी तरह से लौट के आओ। बहुत सारे संस्मरण है, नीरज अलीगढ़ में रहते हैं तो अलीगढ़ को जीते हैं, आगरा में रहते हैं आगरा को जीते हैं, कानपुर में रहते हैं कानपुर को जीते हैं। दो चार पंक्तियों से उनकी कुछ कविताओं का मैं स्मरण करता हूं और आप लोगों के बीच पहुंचाता हूं कि कानपुर आहा सेहा कुछ और मेरी रात हुई जाती है, आप पहले भी रोई थी ये बहुत तेरे लिए, अब तो लगता है कि बरसात हुई जाती है। कानपुर आहा सेहा कुछ और मेरी रात हुई जाती है, आज मैंने भी रोई थी बहुत तेरे लिए, अब तो लगता है कि बरसात हुई जाती है। तू क्या रूठा मेरे चेहरे का रंग रूठ गया, तू क्या छूटा मेरे दिल ने ही मुझे छोड़ दिया, इस तरह गम में बदली हुई हर एक रात, जैसे मंडप में हो दुल्हन ने दम तोड़ दिया। आज भी तेरे बेनिशान किसी कोने में मेरे गुमनाम उम्मीदों की बसी बसती है, आज भी तेरे मिलके किसी फाटक पर मेरी मजबूर गरीबी खड़ी तरसती है, बसती आज भी तेरे फर्श पर तिलक हॉल के जाकर ढीठ बचपन मेरे गीतों का खेल आता है, आज भी तेरे फूल बाग की हर पत्ती पर ओस बन बन कर मेरा दर्द बरस जाता है, करती टाइप किसी ऑफिस की किसी टेबल पर आज भी बैठी होगी लिखावट मेरी खोई खोई सी परेशान हर उलझन में, आज भी बैठी होगी कहीं लिखावट मेरी। बात ये किंतु जानती है सिर्फ मेस्टन रोड, बात ये किंतु सिर्फ जानती है मेस्टन रोड, तू कितने ही मेरी साइकिल ने बदले हैं, और चित्रा से जो चाहो तो पूछ लेना तुम, मेरी तस्वीर में किस किस के रंग धुतले हैं। कानपुर का एक चित्र दिया, एक थोड़ा सा एक चित्र रोमानी जो नीरज साहब की नीरज की पाती से मिलता है वो आप लोगों के सामने देता हूं। आज की रात बड़ी शोक बड़ी नटखट है, आज की रात बड़ी शोक बड़ी नटखट है, आज तो तेरे बिना नींद नहीं आएगी, आज तो तेरे ही आने का यहां मौसम है, आज तबीयत न ख्यालों से बहल पाएगी। देख वो छत पे उतर आई है सावन की घटा, खेल खिड़की से रही है आंख मिचौनी बिजली, दर पे हाथों में लिए बांसुरी बैठी है भार, और गाती है कहीं कोई कोयलिया कजली, वो रिमझिम की फुहार ये मौसम ये गुनेगार, रह रह के ऐसे नस्में तेरी चाह जगा जाती है, जैसे पिंजरे में बंद छटपटाते हुए पंछी को अपनी आजाद उड़ानों की ख्याल आती है, ये जगमगाते हुए जुगनू ये दिए आवारा बुझते हुए नींद पर जल उठते हैं, जो बरसों से सूनी पड़ी भुजी आंखों में ढीठ बचपन के कभी स्वप्न मचल उठते हैं। रुमारी कविताओं से लेकर नीरज साहब का सफर बहुत लंबा गीतों तक जाता है। एक उनकी बहुत फेमस कविता आप लोगों ने सबने सुनी होगी युद्ध के ऊपर, तीसरा विश्व नहीं होगा, उसके कुछ अंश में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं, और डेढ़ मिनट की कविता मेरी अपनी, सिर्फ डेढ़ मिनट आपसे लूंगा, एक दो बंद में नीरज साहब के युद्ध की कविता के पढ़ता हूं। मैं सोच रहा हूं अगर तीसरा युद्ध हुआ इस नई सुबह की नई फसल का क्या होगा, मैं सोच रहा हूं अगर तीसरा युद्ध हुआ इस नई सुबह की नई फसल का क्या होगा, मैं सोच रहा हूं कर जमीन पर उगा खून इस रंग महल की चहल पहल का क्या होगा, ये हंसते हुए गुलाब महकते हुए चमन
जादू बिखराती हुई रूप की ये कलियां, ये मत झूमती हुई बालियां धानों की, ये शोक सजत शर्माती हुई गेहूं की गलियां, गदराते हुए अनारों की ये मंद हंसी, ये पेंगे भड़ा भड़ा अमियों का इटलाना, ये नदियों का लहरों के बाल खोल चलना, ये पानी के सितार पर झरनों का गाना, नैनाओं की नटखटी डिटताई, तोतों की ये शोर मोर का भौर रंग की ये गुनगुन, बिजली की तड़क कड़क बदली की चटक मटक, ये जोश जुगनुओं की झिंगुर की झुनझुन, आला की ये ललकार था ढोलक की सूरा मीरा की सी कबीरा की बात। डेढ़ मिनट मैंने आपसे मांगा था, नीरज साहब का ये स्मरण करते हुए, नीरज साहब इतने बड़े क्यों हैं, सोचने का विषय ये था। कविता से कोई आदमी बड़ा होता तो बहुत सारे कवि हैं दुनिया में जो बहुत बड़े हैं, जो आप लोगों को कंठस्थ भी हैं, उनमें नीरज साहब का नाम भी शुमार है। लेकिन बड़े होने में कोई और तो बात होती होगी, यूं कोई बड़ा नहीं होता। 37 साल यात्रा करने के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बड़े सूक्ष्म तरीके से देखी जाती है। नीरज जितने भी अलंकरण हो सकते थे इस देश में कविता के नाम पर, वो सब उन्होंने प्राप्त किए, चाहे वो सरकार से हो, गैर सरकारी हो, किसी फाउंडेशन के हो, सारे अलंकरण प्राप्त किए। लेकिन बावजूद इसके नीरज अपनी लुंगी में, अपनी एक फर्ती में बेड पर बैठे हुए आराम से अपनी कविता का पाठ कर रहे हैं। सहज रूप से कोई चला जाए कभी फोन कर ले उनको कि नीरज साहब आपसे मिलना है, वो उतने ही सहज रूप से मिलते हैं। मेरा मानना यह है कि कविता लिखना बहुत कठिन हो सकता है नीरज जैसी, लेकिन नीरज जैसा आसान होना भी बहुत कठिन हो सकता है। बहुत बड़ा बनने के लिए आपको बहुत आसान होना पड़ता है, इसलिए नीरज ने कहा है जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा। मेरे पास 20 तारीख का उनका एक बैग है, आपको बता दूं संस्करणों में। 19 तारीख की सुबह में लौट आया था, 19 तारीख की शाम को नीरज साहब गए धरती से। उनका एक बैग है मेरे पास, उसमें 2 चश्मे, 2 कुर्ते, 4 भर्ती बनियान, 2 गंदी लुंगी और 3 ऐनक हैं। ये मेरे पास नीरज की विरासत है, या नीरज जो कविता छोड़ गए हैं वह मेरे। नीरज होना इतना आसान क्यों है और नीरज साहब इतने बड़े क्यों हैं, एक कविता के माध्यम से आप लोगों के बीच में देता हूँ, जिसका शीर्षक ही ये है कि हाँ आसान बहुत है नीरज होना। पीली सिसकी सारी रात घूट घूट कर बिस्की रोई, पीली सिसकी सारी रात घूट घूट कर बिस्की रोई, गीतों की मरकट भस्मी पर सारी रात गजल ना सोई, गीतों की मरकट भस्मी पर बीढ़ी सिसकी सारी रात घूट घूट कर विस्की रोई, गीतों की मरगट भस्मी पर सारी रात गजलना होई, मुक्तक हो आवारा सारे भीख स्वप्न से मचल गई, पाती जिनके नाम लिखी थी ना जाने वो किधर गए। अंतिम ही इस यात्रा में अब काहे का हंसना काहे का रोना, लेकिन हाँ आसान बहुत है नीरज होना, लेकिन हाँ आसान बहुत है नीरज होना। शर्मीले नैनों से देखा एक कारवां ऐसा गुजरा, खुद पर ही इतराई पंखुड़ी, गीत का आखर आखर बोला, दर्द ने जब जब भावर डाला, प्राणों में एक गीत खिला, खूब जुड़े पर मेले लेकिन मन का ना कोई मीत मिला, गीत असावरी दूर अभी है, क्या है पाना क्या है खोना, लेकिन हाँ आसान बहुत है नीरज होना। कानपुर रात हुई है, मेरा चंदा डूब गया है, अब तो जैसे अलीगढ़ भी ही आगरे जैसा छूट गया है, चिप चिप अश्रु बहाकर मैं जीवन से भी खूब लड़ा, चिप चिप अश्रु बहाकर मैं जीवन से भी खूब लड़ा, चलता हूं मैं चलता हूं यूं मौत से खूब भिड़ा, पर मेरे श्याम बता इस मैली चादर पर अब काय का रोना काय का धोना, इसीलिए आसान बहुत है नीरज होना।
कभी तो नीरज बनकर गाया, कभी मैं जोकर सा इतराया, ए भाई देख चलो तुम सारे जग को समझाया, प्रेम मुहूर्त याद भी है, जब जब देखा है दर्पण प्रेम मुहूर्त याद भी है, इंसान का इंसान से होना प्यार नहीं अपराध भी है, करने को रेशम के उजाले मुश्किल है आंसू का होना, लेकिन हाँ आसान बहुत है नीरज होना। आखिरी है, जितने थे मशहूर कि उतने थे बदनाम जमाने में, सही कहते हो तुम्हें लगेगी सदियां हमें बुलाने में, प्रेम बना तुम जेब कफन की, प्रेम बना तुम जेब कफन की, आंसू को सम्मान दिया, एक छुपे रुस्तम सा तुमने मानवता को मान दिया, जब यादों वाले खत तुम्हारे चमक रहे हैं तारे बनकर, जितने नगमे तुमने गाए वो भी हैं सब नजारे बनकर, लेकिन काव्य की इस धरती पर बहुत कठिन है आंसू होना, इससे भी ज्यादा मुश्किल है किसी कवि का इस धरती पर नीरज होना।